और इसको यहाँ बैठ यहाँ बैठ जा बहन की तू छल रही है, पहले बात तो सुन ले दे, ये तेरे ड्रामे का भी खत्म। छोड़ो मुझे। अरे भैया क्या कर रहे हो आप? ये है वो जड़ी बूटी, ठीक है, पंडित की लड़की है ये, यहाँ क्यों इसको क्यों लेके आयो? है? क्या लेके आया? ये वो बता, इसका क्या अचार डालूंगी मैं? अचार नहीं डालेगी फिर? देख मेरी बात सुन, उस दिन मैं पंडित के पास गया था और इसको यहाँ बैठ यहाँ बैठ जा बहन की तू छल रही है, पहले बात तो सुन ले दे, ये तेरे ड्रामे कभी खत्म नहीं होते हैं। मुझे चाह रहे थे यहाँ से, मैं बोल रही हूँ ना, जा रहे चुप हो जा पहले, चुप हो जा। आई क्यों नहीं हमारे घर में, क्यों डिस्टर्ब कर रही है हम लोगों को, है? और तेरा बाप क्यों बीच में आ रहा है बार बार? ड्रामे तो तुम दोनों ने स्टार्ट करे हैं, बोलो। समर क्या नाम है उसके, पंडित के पास गया था मैं कि पैसे वैसे गए या नहीं गए, पहुंचे नहीं पहुंचे। देखा तो पंडित और ये इसकी लड़की आपस में वो मंत्र मंत्र पढ़ रहा था और ये माला लेके बैठी हुई थी और समर सामने बैठा था, शादी कर रही थी। वाओ, मतलब शर्म नहीं आती ना तेरे को? बिल्कुल भी शर्म नहीं आती ना? शादी शुदा है वो, शादी कर रही है तो शादी तो कर रही थी, शादी कर रही थी, शर्म नहीं आती ना बिल्कुल भी? तमीज तो है नहीं तेरे अंदर बिल्कुल भी। और फिर मैं इस लड़की को वहाँ से, पंडित से मेरी बात हुई कि भाई क्या नाम है, तूने ये ऐसे क्यों करा है, और मेरे से तूने पैसा भी ले लिया, कह रहा है कि भाई देख इसकी सासू माँ से भी पैसा आना है, उसकी से भी पैसा आना। मैं यही तो बोल रही हूँ आपको, उस दिन मैंने आपको क्या समझाया था, वो सबसे पैसे ले रहा है, मेरे से नहीं, सबसे उसने पैसों की डिमांड रखी है, 5-6 लाख, 10 लाख, 8 लाख, 9 लाख। ये इतने गरीब है ना, ये इतने लालची है, पूछो मत। दे दिए अभी तो मेरे से पैसे ले लिए, अभी तो तू यहाँ पर भैया सबसे यही डिमांड कर रखे है, आपको क्यों समझ नहीं आ रहा? आप ऊपर से 1 लाख रुपए दे के आ गए। एक नहीं पूरे दे दिए मैंने पैसे, तो मैं तो समर का है, समर का है फिर? समर वहीं पर है, इसने भगा दिया था समर को, नहीं मैं समर को लेकर आता मैं साथ में, वो इसे वो तो बढ़िया करा भैया, बहुत बढ़िया करा, आप इसको लेकर आ गए। ये ज्यादा बन रही है ना, डाल लूंगी, टेंशन क्यों ले रही है, डाल लूंगी, कुत्तों को खिला दूंगी। हाँ तू चल, ये ऐसे उछलती रहती है, करना क्या है इसको? छोड़ो, यही कमरे में बंद कर दो इसको, करना क्या और क्या करेंगे? नहीं यहाँ कमरे में बंद नहीं करना, इसे मैं लेकर चला जाऊंगा कभी। बता शादी करने की पड़ी हुई है भाई, कैसी हो रहा था, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा बिल्कुल भी। क्या नाम है वो इसकी, समर की मम्मी से और राधिका की मम्मी से पैसा आने, जब जाकर मैं समर को छोड़ूंगा। और मतलब ये राधिका की मम्मी से भी पैसे खा रहा है, मेरे से भी पैसे खा रहा है, मेरे पापा से भी पैसे खा रहा है, राधिका से भी पैसे खा रहा है, भाई इतना पैसे लेके कहाँ जाएगा भाई? ये भी तो देखो ना आप, कहाँ जाएंगे क्या? एक मकान खरीदेंगे, उसमें समर को रखेंगे, मैं रहूंगी और मेरे पापा रहेंगे। समर को तो तू भूल ही जा, टेंशन मत ले, ठीक है? वो तो नहीं आएगा तेरे पास, उसकी टेंशन मत ले, ठीक है? अभी राधिका बैठी है, हाँ राधिका बैठी है अभी, ये मेरे से चुंगल चढ़ जाएगी। तो क्या सोचो, क्या करोगे इसका? मेरी बात सुन, इसे है ना क्या नाम है, मैं लेकर चला जाऊंगा यहाँ से। कहाँ लेकर चले जाओगे? कहीं और ही जाऊंगा मैं इसे लेकर, इसका बाप आ जाएगा, वैसे भी तेरा घर भर जानता है, ठीक है? यहाँ पर कभी उसका बाप आ जाए फिर वो बोले फालतू की मेरी लड़की को छुड़वा दे कर दे, देख लेगा तो कोई बकवास करेगा, छुड़वा कर लेगा। डर तेरे बाप से डरेंगे हम? हाँ तेरे बाप से डर खा रहा है। तेरे बाप से डरने क्या हम? तेरे बाप के सामने तो लेके आया तुझे, तेरे बाप के सामने तो लेके आया, तेरे बाप तो कुछ नहीं कर पाया, कुछ नहीं कर पाया, तो बहन सोच समझ के बोला कर, थोड़ा समझ में आई तेरे को? जब मैं खिसका के घसीट के जब मैं इसके लेकर आया हूँ, जब तो ये कुछ नहीं बोल पाई, और अब ये बकवास कर रही है बैठी बैठी। अरे उस दिन मैं और राधिका इतनी बकवास करती है, ये पूछो मत, उस दिन उसको भगा के लेके चला गया इसका बाप। हाँ तो वो तुम्हारी गलती थी ना, क्यों लेगा? और ऊपर से भाई समर यहाँ पर आएगा, राधिका घर नहीं जाएगा, ध्यान रखिए। नहीं भैया नहीं, ये ड्रामे नहीं चाहिए मुझको, मैंने आपको बोला था ना। एक काम करो ना, तुम्हारे पास जा रहा ना, उधर जा रहा है, क्यों बकवास कर रही है? क्यों बकवास कर रही है? क्यों बकवास कर रही है? क्या करेगी तू? अचार डालेगी उसका? क्यों डालेगी? क्यों डालेगी अचार? क्यों डालेगी? उसका बच्चा है यहाँ पे और उसकी बीवी भी है, समझ में आ गई? तेरी कोई जरूरत नहीं है उसको, क्यों चला लेगा? एक और नहीं, दो ही काफी है, दो ही काफी है। तू आई कहाँ से है? जब उसकी नहीं, तू उसकी उसकी वजह से ही आई है या तू इसके पैसे देख के आई है? समर के पैसे देख के आई है, मेरी बात सुन लो भैया, आप लालची एक नंबर की। लाओ पैसे दे दो उसके, लाओ जितने उसकी जमीन जायदाद जो भी नाम लाओ दे दो, ले लो समर को। 250 रुपए में बेच दूंगा घर वाले की दुकान पर, बकवास कर रही है, ठीक है? अपने आप को बेचना है, 250 रुपए में बिक जाएगी एक मिनट। चल चल, ये 5 रुपए तो ये देखती नहीं है, और ये 1 मिनट बिक जाएगी। अभी जाऊंगा ना नीचे दुकान पे, 250 रुपए मेरे बाप आ गया ना, यही नचा देगा उल्टा, बात ध्यान रखना। कभी तू नाचती फिर अभी? अरे देख लेंगे है? उस दिन जब तू घसीटता हुआ तुझे मैं लेता आ रहा, जब तेरा बाप मेरे पाँव में गिर रहा था, तब तो मैं बैठी हुई थी। क्या बैठी हुई थी? ये ऐसे बोलते रहते हैं भैया, ऐसे ही बोलते रहते हैं, ऐसे ड्रामे करते रहते हैं। क्या बोलते हैं वो,
क्या बोलते हैं? मैं चल क्या किससे बहस कर रही हूँ भाई, चल ये ऐसी बोलती रहती है। आप ये बताओ क्या बात कर रहे हैं आपने पंडित से? पंडित से मेरी कोई बात नहीं हुई है, बस लास्ट टाइम इसे उठा के मैं ले आया हूँ। मैं तुझे सिर्फ यहाँ दिखाने के लिए लाया था कि देख भाई ये है मेरे पास जड़ी बूटी और पंडित। तो आप मेरी बात सुनो, आप मेरी सारी क्लियर बात सुनो, आप पहले मेरी क्लियर बात सुनो। समझ यहाँ नहीं रहेगा भैया, मुझको नहीं चाहिए। नहीं बीच में मत बोल, मुझको नहीं चाहिए भैया। सुन लो, तो वो ले, ओ हो तेरे वश में दिख रहा है, वो दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। तो तू भी तो नाच ही रही है, तू भी तो नाच ही रही है, तू भी नाच रही है, नाचेगी तू। अभी टेंशन मत ले, टेंशन मत ले, तू नाचेगी तो मेरे भाई के शहरों पे नाचेगी। अभी तू क्यों टेंशन ले रही है? हाँ तू क्यों टेंशन ले रही है? अच्छी बात है, अच्छी बात है, खुलने भी नहीं चाहिए। भैया सुनो पहले मेरी बात, समर यहाँ पे नहीं आएगा, उसको सही सलामत आप उसको छोड़ कर आओ, बस क्लियर सी बात है। राधिका के यहाँ पे, राधिका और उसकी मम्मी वैसे बहुत ज्यादा परेशान है, तो आप उसको वहाँ छोड़ के, मुझे नहीं है समर की नीड, ना ही मेरे बच्चे को नीड है, मैं यहाँ पे खुश हूँ। बीच में मत बोल, इसके थप्पड़ क्यों नहीं मारते हो भैया? क्यों ज्यादा बोल रही है? शादी करने वाले हो ना इससे आप? खुद देख लूंगा, इसे बोलने दे, अभी इसका लास्ट वक्त है, बोलने दे इसे बेचारी को। मैं अच्छी हूं क्या? मैं शादी करने ख्वाब देखती हूं। जब भी तो दूसरे को लूटती फिर रही है, लुटेरन, जब भी तो लूटती फिर रही है उसे, 5-5 लाख रुपए लेके हंसती रहेगी बस ऐसे पागलों की तरह, और उसकी माँ से लेके है। तेरा बाप भी ऐसी है, तेरी माँ भी ऐसी थी, तेरी माँ भी ऐसी थी, क्या ऐसी? अरे मैं तेरा उखाड़ दूंगा, ठीक है? और उखाड़ तो उखाड़ते, तू उखड़ जाएगी सारी, ठीक है? बकवास कर रही है यहाँ पर बैठी हुई है। जब मैं तुझे वहां से घसीटता हुआ लाया, जब मैं तेरे से बोला था तू समर से शादी नहीं करेगी, तेरे बाप से डील हुई थी और तू पहले भी उससे शादी कर रही है, है? कैसे कर लेगी अब तू? कहीं और तुझे रख दूंगा मैं, कहीं और तुझे रख दूंगा मैं, क्या देख लेगी तू? इससे आप बाद में बात करना, पहले मेरी बात सुनो जो पापा ने आपको समझाया था। भैया समझ जाओ, बेफालतू के ड्रामे मत पालो यहाँ पे प्लीज, मुझको नहीं चाहिए। आप इसलिए, मुझे पता है इसलिए, सुनो पहले आप मेरी बात क्लियर हो जाओ तो फिर आप अपनी बात क्लियर करना। आप इसलिए सोच रहे हो ना कि मैं खुश रहूंगी, मेरी लाइफ बन जाएगी, तो भैया मैं ध्रुव के साथ खुश हूँ, मुझको नहीं चाहिए समर, मैंने अपनी लाइफ बना ली ध्रुव के साथ, तो मैं खुश हूँ। लेकिन अपने गंदी जुबान से ना मेरे हस्बैंड का नाम आता है। फिर समर के लिए क्यों पड़ी रहती है तुमको? क्यों पड़ी रहेगी? मेरा एक्स हस्बैंड है, वो पड़ी रहेगी। राधिका को दे रखा है, समझ में? ठीक है, अब मेरी बात सुन, समर यहीं पर ही आएगा, ठीक है? तू मुझे मत सिखा भैया, आपको समझ, आप किस लिए करो? मेरी खुशी के लिए करो ना, मेरी खुशी के लिए करो ना, तो मुझे ऐसे खुशी नहीं चाहिए। आए दिन घर पर ड्रामा रहे, मैं जबरदस्ती नहीं चाहिए मेरे को समर। जबरदस्ती कौन रख रहा है? समर नहीं चाहिए, अपनी मर्जी से नहीं आ रहा, नहीं आ रहा मुझको, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझको, बिल्कुल भी नहीं चाहिए मेरे को, नहीं चाहिए ना भैया। मैं ध्रुव के साथ खुश हूँ, मेरा बच्चा आएगा, हम खुश रहेंगे।